आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, इस सेशन में हम लोग आपके साथ बीजी में अपने स्टैंडर्ड फॉर्मेट के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम आपको बताएंगे कि बीजी में अगर आप इस ऑप्शन को अनेबल करते हैं तो प्रिंट में क्या चीज दिखेगी, और अगर आप इस ऑप्शन को नो करेंगे तो इस प्रिंट में क्या चीज दिखेगी। आज जो आपका सेशन है वो बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अंदर डिपेंड करेगा कि अगर आप ये टॉपिक अनेबल करते हैं तो आपके सेल के बिल में क्या आएगा, आपके परचेज के बिल में क्या आएगा। तो आज हम आपके साथ बीजी में स्टैंडर्ड फॉर्मेट को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये टॉपिक आप लोगों के लिए अच्छा है अगर आप इसे कर लेंगे तो, अगर कभी फ्यूचर में आपको, आप जहां भी वर्क करते हैं, चाहे आप प्रोफेशनल हैं, चाहे आप एक अकाउंटेंट हैं या आप एक स्टूडेंट है जो आप बीजी सीख रहे हैं, तो आपको ये जरूरी होगा कि जब आप बिल निकालें तो आपको पता हो किस ऑप्शन से ये चीजें प्रिंट होंगी, इस ऑप्शन से ये। तो अगर आप ये चीजें सीखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। साथ साथ अगर आपको हमारी बीजी की पेनड्राइव क्लासेस चाहिए तो आप वो भी ले सकते हैं, जिसके अंदर हमने आपको बीजी के हर एक टॉपिक को कवर करा है, ठीक है, चाहे वो अकाउंट्स का हो, चाहे वो डाटाबेस का हो, चाहे वो बीजी के ऑप्शन से क्यों ना बिलोंग करता हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज आपके साथ अपने इस सेशन को। सबसे पहले मैंने बीजी को ओपन करा। बीजी को ओपन करने के बाद मैं एडमिनिस्ट्रेशन में आऊंगा, कॉन्फ़िगरेशन में जाऊंगा, और यहां से एक टॉपिक मिलता है जिसका नाम है इनवॉइस डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग। आप इस टॉपिक का यूज तब भी करते हैं जब आप पहली बार बीजी में किसी को प्रिंट आउट देते हैं, और जब आप उसका प्रिंट निकालते हैं या उसका प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं तो बीजी आपसे उस समय भी पूछता है कि आपको क्या क्या टॉपिक प्रिंट के अंदर चाहिए और क्या क्या टॉपिक नहीं चाहिए। दूसरा, ये टॉपिक आप लोगों के लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, अगर आज आपने टॉपिक सही से कर लिया तो इसके बाद जब हम आपके नेक्स्ट सेशन में एडवांस या बीजी में बिल डिजाइनिंग करना सीखेंगे तब भी आपको बहुत ज्यादा ये मदद करेगा, क्योंकि बिल डिजाइनिंग करते वक्त कुछ चीजें हम इसी के अंदर से ऑटो पिक करते हैं। अगर आप ये अच्छे से कर लेंगे तो बीजी के अंदर देखिए मैंने काफी सारे फॉर्मेट बनाकर रखे हुए, ऐसे आप लोग भी अपने फॉर्मेट बना सकते हैं बीजी के अंदर। काफी स्टाइलिश मैंने फॉर्मेट बना रखे हैं, यहाँ तक कि कुछ लोगों की फॉर्म सर्टिफिकेट भी हमने बीजी से ही बनाए ताकि उसको बार बार इन्फॉर्मेशन डालने की आवश्यकता ना पड़े। तो इसलिए आप इस टॉपिक को हल्के में ना लें या इसको सोचें ये तो हम फास्टली कर लें, ऐसा बिल्कुल ना सोचें। जैसा मैं करा रहा हूँ आप उन्हीं स्टेप के साथ करें। तो सबसे पहले हम जाएंगे इनवॉइस डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग में एडवांस, और जैसे ही आप इंटर मारेंगे तो यहाँ से मिलेगा सेल इनवॉइस। जैसे ही आप सेल इनवॉइस पर क्लिक करोगे तो इस तरीके का आ जाएगा, अगर आप परचेज इनवॉइस पे करोगे तो इस तरीके से आ जाएगा, डिलीवरी नोट्स पे करोगे तो इस तरीके का आ जाएगा, गुड्स रिसीव नोट्स पे करोगे तो इस तरीके का आ जाएगा। मतलब आपको जो भी टॉपिक चाहिए बस आप उस टॉपिक को देख लें और स्टार्ट करें। मैक्सिमम ये सेल के लिए ज्यादा यूज होता है और डिलीवरी नोट्स के लिए ज्यादा होता है। तो हम अभी सेल इनवॉइस को कर लेते हैं, उसका बिल्कुल सिमिलर है डिलीवरी नोट्स या बाकी अदर ऑप्शन, बस आपको इनवॉइस पर क्लिक करना है। जैसे आप इनवॉइस पर क्लिक करेंगे उसके बाद सबसे टॉप पर लिखा होगा कॉन्फ़िगरेशन या कॉन्फ़िगर सेल इनवॉइस, क्लियर। साथ साथ सबसे ऊपर इनवॉइस हेडिंग क्या रखोगे, जब प्रिंट निकलेगा तो बिल की टॉप की हेडिंग क्या होगी। तो यहाँ लिखा है ऑटो प्रिंट टैक्स इनवॉइस और बिल सैंडी ऑन द बेसिस ऑफ सेल टाइप। आपको पता है कि अगर हम एक रजिस्टर्ड डीलर हैं और हमने नॉर्मल स्कीम पिक करी है तो हम जब भी किसी को बिल काटेंगे तो टैक्स इनवॉइस देंगे। दूसरा, अगर हम ऐसे प्रोडक्ट बेचते हैं जिस पर टैक्स नहीं लगता या वो एग्जाम कैटेगरी के, तो हम क्या चाहते हैं, बिल ऑफ सप्लाई चाहते हैं। या फिर मैं अगर एक कंपोजिशन डीलर हूं, अगर मैं क्या हूं, एक कंपोजिशन डीलर हूं, उस केस में भी हम बिल ऑफ सप्लाई निकालते हैं। तो इसने कहा मैं ऑटोमेटिक कहां से पिक करूंगा, जब भी कोई भी आप बिल बनाओगे, बिल बनाते वक्त यहाँ पर जो भी टाइप होगी मैं उससे पिक कर लूंगा कि आपका बिल टैक्स इनवॉइस चाहिए या फिर बिल ऑफ सप्लाई चाहिए, वो इससे पिक करता है। मैंने कहा ठीक है, और अगर मैंने उसे ऑटो कर दिया और उसके बाद ओल्ड पी करूंगा तो देखिएगा बीजी अपने आप ही इसी फॉर्मेट को यहाँ से निकालेगा, सबसे टॉप पर टैक्स इनवॉइस दिया। क्यों? क्योंकि जब मैंने कंपनी बनाई थी तो उस समय मैंने सिलेक्ट करा था कि आई एम अ नॉर्मल टैक्स पेयर, कि मैं एक नॉर्मल हूँ और गवर्नमेंट को नॉर्मल तरीके से टैक्स दूंगा, क्लियर। और साथ साथ जो भी मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूँ वो भी टैक्सेबल, तो ये ऑटोमेटिक उठाता है। तो अगर आप चाहते हो कि ऑटोमेटिक ना उठाए तो आप यहाँ जाके पहला तो ऑटो होता है ऑटो प्रिंट टैक्स इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई ऑन द बेसिस ऑफ सेल टाइप, और दूसरा होता है एज मेंशन इन सेल टाइप। मैंने कहा नहीं सर ऑटो ना उठाए, जो मैं मेंशन करूं वो उठाए, मैंने सेव कर दिया। जैसे ही मैंने यहां मेंशन करा तो वहां लिखा होता सेल टाइप, इसका मतलब अगर मैं ऑल्ट प्लस एम करूं और यहां पर मैं जो भी डिस्क्रिप्शन लिखूंगा वो ऑटोमेटिक प्रिंट होगी, जैसे टैक्स इनवॉइस स्लैश बिल ऑफ सप्लाई, इस तरीके से बस इसको सेव कर। अब मैं ऑल्ट पी करूं सेल इनवॉइस पर जाऊं और जैसे ही स्टैंडर्ड पर क्लिक करूंगा तो आप देखिए यहाँ पर आएगा टैक्स इनवॉइस स्लैश बिल ऑफ सप्लाई। तो ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं बीजी को किस तरह की हेडिंग देना पसंद करता हूँ। तो आपको जो भी हेडिंग पसंद है आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिलहाल मैंने ये हेडिंग दी और मैंने इसको स्कैप कर दिया। तीसरा, हमारे पास हेडिंग की अगर बात करें तो हेडिंग में आता है एज मेंशन बिलो, जो मैं यहाँ डालूंगा वो प्रिंट हो जाएगा। जैसे मैं चाहता हूँ कैश मेमो, ठीक है, और क्रेडिट मेमो, तो मैंने यहाँ से लिख दिया और इसके बाद इसे सेव करूं। जैसे ही सेव होगा मैं ट्रांजेक्शन में जाऊंगा, ऑल्ट पी करूंगा, सेल इनवॉइस पर जाऊंगा,
जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आप देखिए यहाँ पर आगे कैश मेमो और क्रेडिट मेमो। तो आप इस तरीके से ये भी डिसाइड कर सकते हैं, और अगर आपको हेडिंग की आवश्यकता ही नहीं है तो आप लास्ट वाले टॉपिक पर क्लिक कर दे, नो नीड टू हेडिंग, या फिर नन कर दे, तो आपको हेडिंग की आवश्यकता नहीं होगी, क्लियर। लेकिन हमें मैक्सिमम केस में हेडिंग चाहिए होती है तो हमने ऑटो कर दिया। उसके बाद अपनी कंपनी का नाम क्या रखना चाहते हैं आप रख दो, आप यहाँ भी चेंज कर सकते हो अपना एड्रेस, और साथ साथ हेडर क्या रखना चाहते हो। हेडर मतलब क्या होता है सर, नीचे लिखते हैं कि आप किस तरह के बिजनेस करते हो, तो आप लिख दो यहाँ पर ऑल काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर, ठीक है, जस्ट लाइक बीजी टैली, ठीक है, मार्क मार्क वेब टेल, ठीक है, और ईटीसी, इसे सेव कर दे। जैसे ही आप इसे सेव करेंगे, मॉडिफाई पर जाएंगे, ओल्ड प्लस पी करेंगे, सेल इनवॉइस को ऑप्शन करेंगे, और स्टैंडर्ड को जैसे ही मॉडिफाई करेंगे, एक बोल्ड लेटर में लिख के आएगा ऑल काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर बीजी टैली मार्क वेब टेल ईटीसी। तो कई लोग अपनी डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हैं, अपने प्रोडक्ट को बताना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से लिख लेते हैं। बहुत से के विजिटिंग कार्ड में आपने लिखा होगा कि हम सभी काम को बहुत तसल्ली पूर्वक करते हैं, तो आप इस तरीके से इस टॉपिक का यूज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका स्टैंडर्ड सेल इनवॉइस में। अब ये टॉपिक तो आपको समझ आ गया। इसके बाद आता है प्रिंट आउटर बॉक्स एंड वर्टिकल लाइन। अगर आप इस टॉपिक को नो कर दोगे और सेव कर दोगे तो बीजी में क्या होगा, जब तुम प्रिंट प्रीव्यू निकालोगे ना तो वो आपको एक वर्टिकल लाइन के अंदर आएगा, और इसकी ना तो आउटसाइड लाइन कुछ नहीं होगी, इस तरीके से पूरा ब्लैंक फॉर्मेट आएगा। ये बेसिकली तब किया जाता है अगर आपने जो पेपर जो प्रिंट करने के लिए आप पेपर लगा रहे हो वो पेपर आपने ऑटो प्रिंटेड करवा रखा है, तो उस समय हम उसकी आउटलाइन की नीड नहीं होती, तो इस केस में आप इसका यूज कर सकते हैं। साथ साथ अगर हम आगे बढ़े स्टैंडर्ड में तो इसके बाद ये हमें चाहिए होता है, हम इस टॉपिक को यस कर देंगे। साथ साथ एक टॉपिक होता है प्रिंट प्री ऑथेंटिकेटेड और इनवॉइस। अगर आप इस टॉपिक को अनेबल कर लेंगे तो जो भी आपका ऑथेंटिकेट होगा वो टॉप पर आपको शो होगा। आप ओल्ड पी करें, सेल इनवॉइस पर जाएं, और स्टैंडर्ड पे जैसे ही क्लिक करके इसका प्रीव्यू देखोगे तो यहाँ पर आपको ओरिजिनल कॉपी प्री ऑथेंटिकेटेड बाय और एसएस सॉफ्टवेयर एक यहाँ भी मिलेगा और एक आपको नीचे भी मिलेगा, तो आप दोनों जगह साइन अपने कर सकते हो। तो इस तरीके से अगर आपको ऐसी कभी नीड पड़ती है तो आप इसको यूज कर सकते हो। साथ साथ आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है, इसे मैं नो करता हूं, बहुत कम रियल केस में नीड पड़ती है। इसके बाद आता है प्रिंट आईटीसी एलिजिबिलिटी। आपको पता है ना, जब आप परचेज करते हो तो वहां एक टॉपिक आता है कि आपको इसका आईटीसी मिलेगा या आपको इसका आईटीसी नहीं मिलेगा। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपके प्रिंट पे हो कि आप इसका आईटीसी ले सकते हैं या नहीं, तो आप इस टॉपिक को यस करें। जैसे ही आप इस टॉपिक को ऐड करेंगे, ट्रांजेक्शन में जाएंगे, मॉडिफाई में जाएंगे, ओल्ड प्लस पी करेंगे, सेल इनवॉइस पे आएंगे और ओल्ड प्लस पी करेंगे, तो आप देखिएगा यहाँ पर आपको एक टॉपिक मिल जाएगा जिसमें लिखा होगा इनपुट टैक्स क्रेडिट्स अवेलेबल टू टैक्सेबल पर्सन अगेंस्ट द कॉपी। अब आप तभी बिल का आईटीसी ले सकते हैं अगर आप एक टैक्सेबल पर्सन है, और साथ साथ अगर आपके पास कॉपी होगी तभी। अगर ये एडिंग चाहते तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हो, तो एडिंग नहीं चाहिए तो आप उस टॉपिक को नो कर देंगे तो वो आपको शो नहीं होगी। तो आप इस तरीके से बीजी का यूज कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है क्या, प्रिंट कॉपी टाइटल ओरिजिनल डुप्लीकेट। अगर आप इस टॉपिक को यस करते हैं तो आपको पता होगा कि जब मैं बीजी में कोई प्रिंट करता हूं ओल्ड प्लस पी, और मैं यहां से तीन कॉपी निकालता हूं या फिर चार कॉपी या पांच कॉपी निकालता हूं और उसका प्रीव्यू देखता हूं, तो आप देखिएगा बीजी के अंदर यहां से आपको पहली ओरिजिनल कॉपी, डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, ठीक है, और लास्ट में एक्स्ट्रा कॉपी मिलेगी। पांच के बाद जितनी कॉपी निकालोगे आपको एक्स्ट्रा मिलेगी। लेकिन अब आप चाहते हो कि सर मैं एक ही कॉपी निकालूं, वो डुप्लीकेट नहीं है, तो वो भी कर सकते हैं। आप ओल्ड पी करें, सेल इनवॉइस पे जाएं, यहाँ एक कॉपी रखें और नीचे यहाँ पर प्रिंट टाइटल फॉर कॉपी में थ्री कर दें, तो जो तीसरे नंबर की आइटम होगी वो आपको प्रिंट कर देगी। तो आप इस तरीके से बीजी के अंदर इसको यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो इनके नाम को भी चेंज कर सकते हैं। आपको नाम चेंज करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, इनवॉइस डॉक्यूमेंट में जाना है, और यहाँ से एक टॉपिक मिलेगा जिसका नाम है कॉपी टाइटल कॉन्फ़िगरेशन। बस आपको इस पर जाना है, सेल पर आना है। तो आप फर्स्ट कॉपी ओरिजिनल रखना चाहते हो, सेकंड कॉपी डुप्लीकेट, थर्ड कॉपी, फोर्थ कॉपी और एक्स्ट्रा कॉपी, तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। आप इनके नाम बदलना चाहें तो आप कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट कॉपी तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, सेकंड कॉपी, डुप्लीकेट कॉपी, ट्रिप्लीकेट कॉपी, आप अपनी मर्जी से नाम लिख सकते हैं जो भी पसंद है। फिलहाल हमें ओरिजिनल कॉपी पसंद है तो हम ओरिजिनल कॉपी रखते हैं। अगर आपको नीड ना हो तो आप इस टॉपिक को प्लीज नो कर देना, तो वो आपको शो नहीं करेगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रिंट कंपनी पैन नंबर। क्या आप अपनी कंपनी का पैन नंबर प्रिंट करना चाहते हो, तो मैंने कहा यस, तो आप इसे यस कर दो। साथ साथ आप चाहते हो कि जब मैं प्रिंट करूं तो पार्टी की बहुत सारी डिटेल आए, बस आप इस बॉक्स पर क्लिक करो। जैसे ही आप इस बॉक्स पर क्लिक करोगे और उसके आगे एक ड्रॉप डाउन आएगा, तो आप इस पर जैसे ही क्लिक करोगे आप उसका पैन नंबर ला सकते हो, आप उसकी ईमेल आईडी, आप उसका मोबाइल नंबर,
आप उसका आधार नंबर, आप उसका स्टेट और आप उसका पिन कोड। बस जैसे ही आप इसको सेव करेंगे, इस तरीके से सेव हो जाएगा, फिर सेव हो जाएगा, उसके बाद आप ट्रांजेक्शन में जाएंगे, मॉडिफाई में आएंगे, इसको ओ प्लस एम करके प्रीव्यू देखेंगे, और जैसे ही आप इस पे इंटर मारेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको इससे रिलेटेड मैक्सिमम चीजें, पार्टी का पैन नंबर, ईमेल, मोबाइल, आधार, स्टेट, पिन कोड और पार्टी जीएसटी नंबर, इस तरीके से सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आप बीजी में से किस तरीके से मेंटेन करना चाहते हैं। इसके बाद मैं स्टैंडर्ड पे गया, सेल इनवॉइस पे आया, और इसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रिंट वाउचर क्रिएशन डेट, कि आप बिल को कब बनाते हो, ये डेट भी हमें पता चले। बस आप इस टॉपिक को यस कर दो, और जैसे ही आप इस टॉपिक को यस करोगे, ओल्ड प्लस पी करोगे, सेल इनवॉइस में जाओगे, और यहाँ पर जाके आप जैसे ही इसका प्रीव्यू देखोगे तो आपको ऑटोमेटिक यहाँ पर टाइम आ जाएगा कि आपने ये बिल 1 मई को बनाया था और 8:37 सॉरी ये डेट है इसकी 1/5 और इसका टाइम था 8:37 PM में। तो यहाँ पर आपको बिल की डेट भी दिख जाएगी कि आपने बिल कब बनाया है, क्लियर। और अगर आप इसको नहीं चाहिए तो फिलहाल आप इस टॉपिक को नो कर सकते हैं। इसके बाद प्रिंट जीएसटी सेपरेटली विद आइटम टैक्स इनवॉइस, कॉमन सी बात है, हम सभी चाहते हैं कि जब हम प्रिंट निकाले तो आईजीएसटी अलग दिखे, सीजीएसटी अलग दिखे, एसजीएसटी अलग दिखे, तो आप इस टॉपिक को यस कर सकते हैं। साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि नरेशन आ जाए तो आप इस नरेशन इस टॉपिक को यस कर दें और F2 करके सेव करें। जैसे ही आप इस टॉपिक को सेव करेंगे उसके बाद इंटर मार के जो भी नरेशन लिखेंगे, गुड्स सेंड बाय सुपर यूजर, और आप चाहते हो उसको सेव करो, जैसे ही आप इसको सेव करोगे, इसका प्रिंट निकालोगे, तो आप देखना ओल्ड प्लस पी करके आपको ये नरेशन इस तरीके से शो हो जाएगी, ठीक है। तो आप इस तरीके से नरेशन को देख सकते हैं, ये आपको नरेशन यहाँ मिल जाएगी। साथ साथ अगर तुम चाहते हो कि मेरे बिल में प्रिंट आ जाए चालान नंबर, प्रिंट आ जाए ऑर्डर नंबर और प्रिंट आ जाए कोटेशन, तो इसके लिए आपको फीचर ऑप्शन में जाना है, इन्वेंटरी पर जाना है, और यहाँ से आपको परचेज ऑर्डर को एनेबल करना पड़ेगा, कोटेशन को ऑर्डर करना पड़ेगा और चालान को अनेबल करना पड़ेगा। जैसे ही आप इस टॉपिक को अनेबल करेंगे, इनवॉइस डॉक्यूमेंट पे जाएंगे, स्टैंडर्ड पर क्लिक करेंगे, तो आप देख सकते हैं इस तीनों टॉपिक आ गए। आप यहाँ से चालान को अनेबल कर लीजिए, आप ऑर्डर को अनेबल कर लीजिए, और अगर आप कोटेशन टॉपिक को भी अनेबल करते हैं तो आपको कोटेशन नंबर भी प्रिंट हो जाएगा। मैंने इस टॉपिक को भी सेव कर दिया। सेव करने के बाद मैं क्या करूंगा, इनवॉइस डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग पर आऊंगा, स्टैंडर्ड पे जाऊंगा, सेल इनवॉइस लूंगा, और यहाँ से मैं अनेबल प्रिंट कोटेशन को जैसे ही अनेबल करूंगा, उसके बाद मैं सेल पर जाऊंगा और इंटर मारूंगा, तो जो भी मेरा वो चीज होगी वो आपको शो हो जाएगी इस तरीके से। फिलहाल ना ही मेरे पास कोई चालान था, ना ही मेरे पास कोई कोटेशन थी, और ना ही मेरे पास परचेज ऑर्डर था। अगर वो चीज होती तो यहाँ पर प्रिंट होकर आ जाती, जैसे कोटेशन नंबर, ऑर्डर नंबर, चालान नंबर, तो इस तरीके से आप बीजी के अंदर वो ला सकते। फिलहाल अभी हमने उस टॉपिक को एनेबल कर तो दिया लेकिन उसका यूज नहीं करा, इसलिए वो शो नहीं हुआ। साथ साथ प्रिंट टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी आल्सो, मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं प्रिंट निकालू तो मैं कितनी आइटम उस पार्टी को भेज रहा हूँ वो भी मुझे शो हो जाए। जैसे मैं कोई ऐसा बिल खोल लेता हूँ जिसमें एक से ज्यादा ट्रांजेक्शन की गई है, तो मेरे पास एक ही आइटम है ये सभी, ठीक है ना। इसी में मैं एक और आइटम ले लेता हूँ, कॉटन, कितनी 10 पीस, और मैंने इसे F2 करा और मैंने इसे सेव करा, ठीक है। पता नहीं कहाँ चला गया बिल, मैंने टॉपिक नो कर रखा ना प्रिंट वाला, यहाँ पर मैंने कॉटन लिखा और ये 54 मीटर लिख दिया, ठीक है। इंटर मारा और सेव कर दिया। सेव करने के बाद मैंने इसको ऑल प्लस पी करा, पी करने के बाद मैं सेल पर गया, और जैसे ही मैं प्रीव्यू करूंगा तो आप देखना ध्यान से, बीजी सबसे नीचे उन सभी क्वांटिटी का टोटल दिखा देगा कि इतनी क्वांटिटी है, क्लियर। तो आप बीजी में इस तरीके से अपने काम को मेंटेन करो। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है प्रिंट डेली मैसेज। अगर आप SMS प्रिंट कराना चाहते हैं तो आप इसे डेली मैसेज प्रिंट करवा सकते हैं। उस टॉपिक को यस करा, और आप यूटिलिटी के अंदर जाकर या बल्क अपडेशन में होगा, एक टॉपिक कहाँ है यूटिलिटी में, ऐसे ही होगा आपका डेली SMS करके, कॉन्फ़िगरेशन में तो नहीं है, यही आता है एक टॉपिक आपका मिसलेनियस, हाँ अपडेट डेली मैसेज, तो आप लिख सकते हैं, लिख दें सेल पर, मैंने कहा ऑल पर, हैव अ नाइस डे, क्लियर। वैलिडिटी 1 दिन की, एंटर मार दिया और मैंने इसको क्विट करा। इसके बाद में मॉडिफाई पे गया, ओल्ड प्लस पी करा, इंटर मारा, और जैसे ही मैं इसको प्रीव्यू देखूंगा, प्रीव्यू देखने के बाद मैं सबसे नीचे आऊंगा तो यहाँ एक मैसेज आएगा। क्या मैसेज आएगा, वो ये मैसेज देगा कि हैव अ नाइस डे, शायद वो मैं लिख नहीं पाया, मैं लिखने की कोशिश करता हूँ दोबारा। मैं जाता हूँ अपडेट, यहाँ से 17 तारीख ओल्ड टाइप आतो आए, मैंने इसको ओके करा,
और सेव कर दिया। इसके बाद मैं इनवॉइस पर जाता हूँ, स्टैंडर्ड पे आता हूँ, सेल इनवॉइस पर जाता हूँ और यहाँ से मैंने डेली मैसेज को भी अनेबल कर रखा है। ठीक है, दोबारा एक नया फॉर्मेट बनाते हैं। अच्छा, तारीख 17 लिखते हैं, पार्टी का नाम डालते हैं, यहाँ से एक पोर्टल ले लेते हैं, एक लिखते हैं और जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा, यहाँ से इसको नो करा, बिल नंबर 12 था, मैं इसको मॉडिफाई करता हूँ, जीएसटी में जाता हूँ और बिल नंबर में 12 लिख देता हूँ। और जैसे ही मैं ऑल्ट टी करता हूँ, यहाँ से स्टैंडर्ड पे जाता हूँ और इसको प्रीव्यू करता हूँ, तो आप देखिएगा नीचे नीचे आ जाएगा हैव अ नाइस डे। तो आप इस तरीके से बिजी के अंदर अपने काम को कर सकते हैं। इतना समझ आ गया? ठीक है, इसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, आप स्टैंडर्ड पे जाएं, सेल इनवॉइस पर आएं और अगला आपको टॉपिक मिलेगा यूजफुल पेज फॉर डॉक्यूमेंट। कि आपके फुल पेज पर आए तो आप इस तरीके से टॉपिक को यस कर सकते हैं। साथ साथ प्रिंट जीरो अमाउंट आइटम, अगर आपके बिल में कोई ऐसी आइटम है जिसमें आपने जीरो डाला, आपको प्रिंट करवाना चाहते हो या नहीं, आप नहीं करना चाहते तो आप इस टॉपिक को नो कर दो। ऐसी प्रिंट नो इम्पैक्ट बिल संडी, अगर कोई ऐसी बिल संडी है जिसका उस वाउचर पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता तो भी आप इस टॉपिक को नो कर सकते हो। और साथ साथ एक टॉपिक जिसका नाम है स्किप बिल संड्री टोटल, आप चाहते हो कि बिल संड्री का टोटल ना आए तो आप इसे नो कर दोगे तो बिल संड्री का टोटल आएगा, और अगर आप इसे स्किप कर देंगे तो नहीं आएगा। लास्ट टॉपिक है प्रिंट बिलिंग शिपिंग डिटेल सेपरेटली, अगर आप चाहते हो कि बिल में बिल टू शिप टू वाला आए तो आप इस टॉपिक को यस करो, नहीं चाहते तो नो करो। साथ साथ आप चाहते हो कि जब भी मैं प्रिंट निकालू तो वो लैंडस्केप पर हो या फिर पोर्ट्रेट मोड पर हो, तो मैंने कहा लैंडस्केप पे चाहिए तो इसे यस कर लो, बाय डिफॉल्ट ये पोर्ट्रेट मोड पर होता है, मैंने इसे यस कर लिया और सेव कर। सेव करने के बाद मैं मॉडिफाई पर गया, ऑल्ट टी करा और जैसे ही मैं इसका प्रीव्यू देखूंगा तो आप देखिएगा कि यहाँ पर ये आपका लैंडस्केप मोड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो आप इस तरीके से अपने बिल को कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है प्रिंट पेज नंबर इन मल्टीपल पेज, अगर आपके एक से ज्यादा पेज है तो आप इस टॉपिक को अनेबल कर लें। जैसे ही आप इस टॉपिक को अनेबल करेंगे, ऑल्ट टी करेंगे, तो ये आपको आपका पेज नंबर ही बताएगा कि आपके अब तक कितने पेज निकल गए। तो यहाँ नीचे आता है पेज नंबर, लेकिन मेरा एक ही बिल में तो इसलिए पेज नंबर नहीं शो कर। अगर आपका बिल मल्टीपल हो, एक से ज्यादा इन्फॉर्मेशन है पेज के अंदर, तो आप प्रिंट पेज नंबर 1, प्रिंट पेज नंबर 2, प्रिंट पेज नंबर 3 भी करके इस तरीके से दिखाएं। क्लियर है? इसके बाद आपका यहाँ पर एक टॉपिक आता है प्रिंट प्री प्रिंटेड हेडर। अगर आपने अपने पास ऑलरेडी पहले से ही हेडर छपवा के रखे हैं, बस आप चाहते हो कि आइटम के नाम क्वांटिटी क्वांटिटी आए तो बस इसको यस करो, तो हेडर गायब हो जाएगा। कितनी लाइन? मैंने कहा 6 लाइन छोड़ दो ऊपर की, और जैसे ही मैं सेव करूंगा तो अब मैं प्रिंट प्रीव्यू दूंगा तो ऊपर की 6 लाइनों में कुछ भी नहीं आएगा, वो ब्लैंक होगी और बाकी सभी नीचे आ जाएगा इस तरीके से। तो कई बार हमें इसकी बहुत ज्यादा नीड पड़ती है अगर हमने उसे प्रिंटेड करवा रखे, और अगर नहीं तो आप इसे यस कर दो। इसके बाद यहाँ बॉडी में ऑटोमेटिक रखो, सेल्फ हम बात कर लेंगे। अगर आप प्रिंट में एचएसएन कोड चाहते हो, यानी मैंने कहा प्रिंट में एचएसएन कोड चाहिए तो आप इसे यस कर दो, साथ साथ अगर नहीं चाहिए तो नो कर दो। इसके बाद अगर आप अपना लोगो लगाना चाहते हो तो आप इसे यस करो। इमेज की पाथ दे दो कि आपकी फाइल कहाँ है, मैंने फाइल मेरी डेस्कटॉप पर है, मैंने इसको सिलेक्ट करा, ये कैसे देखना चाहते हो, मैंने इसे लेफ्ट में देखना चाहता हूँ। इसकी हाइट कितनी रखना चाहते हैं, मैंने कहा इसकी हाइट 1 रखना चाहता हूँ और विड्थ भी 1 रखना चाहता हूँ। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, इसको सेव कर दो। जैसे ही आप सेव करके इसका प्रीव्यू निकालेंगे तो आपके देखिए साइड में आपको लोगो लग के आएगा, एक बहुत छोटा सा लोगो होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको लोगो मिल जाएगा। ठीक है, अगर अपना आपका कोई भी लोगो हो तो आप वो लोगो को डिजाइन कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आती है डिक्लेरेशन, कि आप कोई भी डिक्लेरेशन टाइप करना चाहें तो आप यहाँ से अपनी डिक्लेरेशन टाइप कर सकते हैं। ठीक है, साथ साथ अगर आप अपनी बैंक की डिटेल देना चाहते हो, बैंक डिटेल, तो आप अपनी बैंक की डिटेल भी दे सकते हैं। साथ साथ आप अपनी टर्म्स एंड कंडीशन में कुछ और चेंज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, और अगर आप एक से ज्यादा और या फिर 3 से ज्यादा टर्म्स एंड कंडीशन लिखना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ लिखकर सेव कर दें। जैसे ही आप ये सेव करेंगे, उसके बाद सेल पर जाएंगे, मॉडिफाई पर जाएंगे और ऑल्ट प्लस पी करेंगे, उसके बाद स्टैंडर्ड पे जाएंगे, तो आप देखिएगा अब यहाँ पर आपको चीजें आ जाएंगी। सबसे पहले यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन मिलेगी, बैंक की डिटेल मिलेगी और साथ साथ यहाँ पर फोर्थ नंबर पर एक टर्म्स एंड कंडीशन भी मिल जाएगी, तो आप बीजी में इस तरीके से काम कर सकते हैं। क्लियर? लेकिन ये तो बीजी का ना बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट होता है, लेकिन अगर आप बीजी के अंदर अपने हिसाब से भी डिजाइन करना चाहें वो भी कर सकते हैं, बस आपको जाना है सेल्फ कॉन्फ़िगर पर। जैसे आप सीरियल नंबर कितने का चाहते हो, मैंने कहा 4 आइटम का नाम, मैंने कहा 20 का, एचएसएन कोड मैंने कहा 8 का, और उसके बाद मैं चाहता हूँ क्वांटिटी 8 की, ठीक है, यूनिट 7 की और अल्टरनेट यूनिट। इस तरीके से आप बहुत सारे काम बीजी के अंदर कर सकते हैं इजीली तरीके से। ठीक है, इतना समझ आ गया, बस इतना आपको ध्यान देना है। उसके बाद मैंने यहाँ से कितना करा, मैंने इसको 20 कर दिया, 20 हो गया। ये हो जाने के बाद मैंने कितने कम करे, वहां से 7 कम करे, तो 7 में अल्टरनेट यूनिट, अल्टरनेट क्वांटिटी, अल्टरनेट प्राइस, पैकिंग यूनिट, कन्वर्जन फैक्टर, आइटम एमआरपी, जिस पे चाहूं उस पर यूज कर सकता हूँ।
बस एक कोशिश करना कि इसका टोटल 136 हो, क्लियर? तो मैं इसे 10 कर दूं और सेव कर। तो मैंने इसे जैसे सेव करा तो ये मेरे बिहाफ से सेट हो गया। उसके बाद आप मॉडिफाई पर जाओ, कॉल प्लस पी करो, इसके बाद इसे मॉडिफाई करो, आप इसका प्रीव्यू देखो तो आप देखेंगे ये आपके हिसाब से डिजाइन हो गया और यहाँ पर एमआरपी का कॉलम आ गया। तो मतलब मैं इनकी लेंथ को अपने हिसाब से भी डिजाइन कर सकता हूँ, किसी को कम किसी को ज्यादा, मैं हर तरीके से कर सकता हूँ। क्लियर? ठीक है, तो सेल्फ कॉन्फिगर समझ आ गया। मैं एक बार और कोशिश करता हूँ कि आपको सेल्फ कॉन्फिगर समझा दूं। सेल्फ कॉन्फिगर का मतलब होता है कि आप अपने हिसाब से बीजी में डिफॉल्ट फॉर्मेट को आप चेंज कर सकते हैं, इसे बोलते हैं सेल्फ कॉन्फिगर। अगर मैं इस पर जाऊं और इस पर क्लिक करूं तो अभी सीरियल नंबर 4 लाइन लेता है, आइटम प्रिंट नेम 20 लाइन लेता है, आइटम नेम दिस लाइन लेता है, आइटम एलियास दिस, एचएसएन कोड दिस, आइटम टैक्स रेट दिस, एडिशनल, मतलब मैं इन सभी आइटमों का यूज बीजी के अंदर कॉलम बनाने के लिए कर सकता हूं। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि बीजी के अंदर हम लोग अपनी मर्जी से कोई कॉलम लाइन जो यहां से बताए गए हम वो कॉलम ला सकते हैं, बस हमें किसी कॉलम के साइज को कम करना है और किसी कॉलम में कन्वर्ट कर देना है, तो हम वहां पर एक्स्ट्रा चीजें ला सकते हैं। तो ये बीजी के अंदर एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप बीजी के स्टैंडर्ड फॉर्मेट को अपनी तरीके से सेल्फ कॉन्फिगर कर सकते हैं। बस अगर आपसे कभी कोई गलती हो जाए, आप लगते हो कि आपने गलत कर दिया, तो बस आप नीचे रीसेट बटन पर क्लिक कर दें, इसको ओके कर दें और बस सेव कर दें इस तरीके से। तो आप डेफिनेटली बीजी में अच्छी तरीके से वर्क कर सकते हैं। बस आप इस टॉपिक को इस तरीके से कर देना, आपका काम पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। कुछ चीजें हैं जैसे बैच नंबर, सीरियल नंबर, पैरामीटर। ये टॉपिक अगर आपको बिल में चाहिए तो ये जब टॉपिक अनेबल करते हो ना तो यहाँ आ जाना और इसको यस कर देना। जैसे सपोज दैट अगर मैं बैच नंबर टॉपिक को अनेबल करता हूँ, कहाँ पर? फीचर ऑप्शन में जाता हूँ, कॉन्फिगरेशन के अंदर इन्वेंट्री फीचर में आता हूँ, और यहाँ से अगर मैं पैरामीटर को अनेबल करता हूँ, यहाँ से एक पैरामीटर लेता हूँ वो भी किसका? कलर का। तो मैंने यहाँ कलर डालकर सेव कर दिया। और अब मैं जब इन्वेंट्री के अंदर, सॉरी कॉन्फ़िगरेशन में, इनवॉइस डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग पर जाऊंगा, स्टैंडर्ड पर क्लिक करूंगा, तो देखिएगा सबसे नीचे एक टॉपिक मिलेगा जिसका नाम है पैरामीटराइज। बस आप इस टॉपिक को सेव कर देना। जैसे ही आप इस टॉपिक को सेव कर देंगे, जब आप पैरामीटर का बिल निकालेंगे तो वो आइटम के नीचे प्रिंट होके आएगा, कॉलम में नहीं आएगा ये, लेकिन आइटम के नीचे प्रिंट होके आएगा। ऐसे ही अगर आपको सीरियल नंबर चाहिए तो आप सीरियल नंबर ला सकते हैं, बैच नंबर चाहिए तो बैच नंबर भी ला सकते हैं। साथ साथ अगर आप इसके नीचे बटन पर क्लिक करेंगे जो लिखा है ऑप्शनल फील्ड या फिर ट्रांसपोर्ट डिटेल प्रिंटिंग, आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ तो ऑप्शनल फील्ड है। आपको याद होगा मैंने वाउचर सीरीज में आपको ऑप्शनल फील्ड सिखाया था, दिखाता हूँ अभी करके क्योंकि लाइव चल रहा है तो आपको ज्यादा अच्छा समझ आएगा। तो मैं वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन पे जाता हूँ, सेल पर जाता हूँ और यहाँ से एक आध एडिशनल फील्ड ओपन कर लेता हूँ। जैसे मैंने कहा दो फील्ड चाहिए, पहले में चाहिए मुझे पीओ नंबर, ठीक है, इसको मैंने नंबर रखा, और दूसरे में चाहिए मुझे लोकेशन। मैंने यहाँ से लोकेशन टाइप करके इसको इस तरीके से सेव कर दिया। अब मुझे इसको बीजी में प्रिंट करना है या नहीं करना, वो मुझे स्टैंडर्ड पे जाना है, सेल इनवॉइस पर जाना है और नीचे जाकर मुझे डिसाइड करना है कि मुझे चाहिए या फिर नहीं चाहिए। यहाँ अगर आप क्लिक करोगे स्पेसिफाइंग इन वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन, मतलब अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हो जो वाउचर के अंदर सेटिंग होगी उसके हिसाब से पिक कर लेगा, लेकिन अगर आप इसे मैन्युअली पर क्लिक करेंगे तो जो जो प्रिंट आप चाहेंगे वो प्रिंट होगी और जो जो नहीं चाहेंगे वो आपकी प्रिंट नहीं होगी। तो ये आपके पास बीजी में बहुत अच्छा टॉपिक है कि आप इसको सेव कर। साथ साथ आप चाहें तो अपने ऑथराइज सिग्नेटरी को चेंज कर सकते हैं या उसका नाम बदल के जो भी आपको रखना चाहें आप वो रख सकते हैं, बस आप इसको सेव कर। इस तरीके से आप बीजी में स्टैंडर्ड फॉर्मेट को कर सकते हैं। साथ साथ आप यहाँ परचेज में भी सेम वही टॉपिक को देखेंगे, साथ साथ रिसीव वाउचर में भी देखेंगे और डिलीवरी नोट्स के अंदर भी इस टॉपिक को आप देखेंगे। तो आप इस तरीके से बीजी के अंदर आप टोटली इस सभी चीजों को अच्छी तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इसे सही से टैकल कर लें या मेरी वीडियो को एक से दो बार देख लेंगे तो आप हर टॉपिक को बीजी के अंदर इजी तरीके से फॉलो कर सकते हैं। तो आज हमने आपके साथ बीजी में स्टैंडर्ड फॉर्मेट को फिनिश कर दिया और कल से हम अपनी नेक्स्ट क्लास में आपको बीजी में एडवांस फॉर्मेट बनाना सिखाएंगे कि अगर आपको बिल डिजाइनिंग करनी है तो आप बीजी में किस तरीके से बिल डिजाइनिंग कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।